प्रकार चुड़ाला अपने को जगाने लगी कि मैं सन्मात्र अछेद्य अदाह्य स्वच्छ अक्षर और निर्मल हूँ, मुझमें अहं त्वंग एक और द्वैत शब्द कोई नहीं और जन्म मरण भी नहीं। यह संसार चित्त से भासित होता है, वास्तव में आत्मस्वरूप है। देवता यक्ष राक्षस स्थावर जंगम आदि सब आत्मरूप हैं। जैसे तरंग और बुलबुले समुद्र से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से कोई वस्तु भिन्न नहीं। दृश्य दृष्टा दर्शन ये भी आत्मा की सत्ता से चेतन हैं, इसकी अपने आप से सत्ता नहीं है। मुझमें अहं का उत्थान कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप में स्थित हूँ। अब इसी पद का आश्रय करके चिरकाल इस संसार में विचरूंगी। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे चुड़ाला प्रबोधो नाम सप्तषष्टितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, फिर चुड़ाला जिसकी तृष्णा निवृत्त हो गई थी और जो दुख भय और भोग वासना से निवृत्त होकर केवल शांत पद को पाकर शोभित हुई थी, पाने योग्य पद पाकर जानने लगी कि इतने काल तक मैं अपने स्वरूप से गिरी थी, अब मुझे शांति मिली है और सब दुख मिट गए हैं। अब मुझे कुछ ग्रहण और त्याग नहीं करना है, अब मैं अपने आत्म स्वभाव में स्थित हुई हूँ। निदान एकांत में बैठ उसने समाधि लगाई। जैसे वृद्ध गऊ पर्वत की कंदरा पाकर तृण और घास से बहुत प्रसन्न होती है, वैसे ही अपने आनंद रूप को पाकर चुड़ाला उसी में अवस्थित हुई। हे राम, वह ऐसे आनंद को प्राप्त हुई जिसको वाणी से नहीं कह सकते। तब रानी को देखकर राजा शिखरध्वज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे अंगने, अब तुम फिर यौवन अवस्था को प्राप्त हुई हो और तुमको कोई बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। शायद तुमने अमृत का सार पान किया है, इससे अमर हुई हो, या किसी योगीश्वर से तुमने इस कला को प्राप्त किया है, अथवा त्रिलोकी का ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। क्या बात है, हे अंगने, तुम्हें कौन वस्तु मिली है? तुम्हारे चित्त की वृत्ति से ऐसा जान पड़ता है कि तुमने अमृत का सार पान किया है, वह त्रिलोकी के राज्य से भी कोई अधिक पदार्थ पाया है। तुम तो किसी ऐसे बड़े आनंद को प्राप्त हुई हो जिसका आदि अंत नहीं है। अब तुम में भोग वासना भी नहीं दिखती, शांत रूप हो गई हो। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही तुम में निर्मलता दिखती है और तुम्हारे श्वेत केस भी बड़े सुंदर लगते हैं। इसलिए बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? चुड़ाला बोली, हे राजन, यह जो कुछ दिखता है सो किंचन है, इससे रहित जो निष्किंचन पद है उसको पाकर मैं श्रीमान हुई हूँ। जिसका आकार निष्किंचन है और जिसमें दूसरे का अभाव है उसी को पाकर मैं श्रीमान हुई हूँ, और जो कुछ भोग है उनसे रहित होकर अभोग भोग भोग कर उस भोग से तृप्त हुई हूँ। अर्थात मैंने आत्मज्ञान और आत्मा में विश्राम पाया है, जिससे सदा शांत रूप और श्रीमान हूँ। हे राजन, जितने ये राजभोग्य सुख हैं उनको त्याग कर मैं परम सुख को भोगती हूँ, और राग द्वेष से रहित होकर मैं ऐसी बनी हूँ कि अस्ति भी हूँ और नास्ति भी हूँ। जो कुछ नेत्रों से दिखता है, इंद्रियों से जाना जाता है और मन से चिंतन होता है, वह सब स्वप्न सा मिथ्या है। मैं वहाँ स्थित हुई हूँ जहाँ इंद्रिय और मन की गति नहीं और अहंकार का उत्थान नहीं। उस पद को मैंने पाया है जो सबका आधार सबकी आत्मा और सर्व अमृत है, उसका सार अमृत मैंने पान किया है। इससे मेरा कदापि नाश नहीं और कदापि मुझे कोई भय भी नहीं है। हे राम, जब इस प्रकार रानी ने कहा तो राजा शिखरध्वज उसके वचन न समझा और हंसकर बोला, हे मूर्ख स्त्री, यह तू क्या कहती है? प्रत्यक्ष वस्तु को झूठ बताती है और कहती है कि मैं नहीं देखती, और असत वस्तु जो नहीं दिखती उसको सत्य कहती है और कहती है कि मैं दिखती हूँ। ये वचन तेरे कौन मानेगा? इन वचनों वाला शोभा नहीं पाता।
तू जो कहती है कि मैं ऐश्वर्य को त्याग कर श्रीमान हुई हूँ, सो निष्किंचन को पाकर इन वचनों वाला शोभा नहीं पाता। तू कभी कहती है कि इन भोगों को मैंने त्याग दिया है और इनसे रहित जो अभोग हैं उनको भोगती हूँ। कभी कहती है कि मैं कुछ नहीं, फिर कहती है मैं ईश्वर हूँ। इससे महामूर्खा देख पड़ती है। जो इसी में तेरा चित्त प्रसन्न है तो ऐसे ही विचर, परंतु यह बात सुनकर इसे कोई सत्य न मानेगा और तुझे यह शोभा भी नहीं देता। हे राम, ऐसे कहकर राजा उठ खड़ा हुआ और मध्याह्न का समय हो जाने से स्नान के निमित्त गया। रानी के मन में बहुत शोक हुआ। उसने विचार किया कि यह बड़े कष्ट की बात है जो राजा ने आत्मपद में स्थिति न पाई और मेरे वचनों को न जाना। यही मन में सोचकर वह अपने आचार में लगी और फिर अपना निश्चय राजा को न बताया। जैसे अज्ञान काल में चेष्टा करती थी वैसे ही अब ज्ञान पाकर भी करने लगी। एक समय रानी के मन में आया कि प्राणों को ऊपर चढ़ाऊं और ऊर्ध को लाकर उदान और अपान को वश में करूं, जिससे आकाश और पाताल दोनों स्थानों में जाऊं। ऐसे सोचकर रानी योग में स्थित हुई और प्राणायाम करने लगी। इतना सुनकर राम ने पूछा, हे भगवन, यह संसार संकल्प से उत्पन्न हुआ है। स्थावर जंगम रूप संसार वृक्ष है और संकल्प इसका बीज। वह कौन प्राणायाम पवन है जिससे आकाश को उड़ते हैं और फिर नीचे आते हैं? अज्ञानी पुरुष भी उसे यत्न करके कैसे सिद्ध करते हैं और ज्ञानवान कैसे लीला करके विचरते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तीन प्रकार की सिद्धि होती हैं। एक तो उपादेय सिद्धि है कि यह वस्तु मुझे मिले, इस निमित्त अज्ञानी यत्न करते हैं। दूसरी सिद्ध यह है कि यह दुख मेरा निवृत्त हो और मैं सुखी हो जाऊं, यह चिंता महा अज्ञानी की रहती है। और तीसरी सिद्ध यह है कि जो मैं कर्म करता हूं उसका फल मुझे मिले, यह विचार करने वाला भी अज्ञानी है, क्योंकि वह अपने को कर्ता मानता है। ज्ञानवान इनको नाक कर बरतता है। वह अगर कभी इनमें बरतता भी है तो उसको यह निश्चय रहता है कि न मैं करता हूँ न भोगता हूँ। योग करके लोग इस प्रकार सिद्ध होते हैं कि देश, काल, वस्तु और क्रिया उनके अधीन हो जाती हैं। मुख में गुटका रख के जहाँ चाहें उसी स्थान में पहुँच जाना, नेत्रों में अंजन डाल के जिसको देखा चाहे उसको देख लेना, और खंग हाथ में धारण करके संपूर्ण पृथ्वी को वश में कर लेना, यह क्रिया पदार्थ है। और देश यह है कि जो सब पर्वत हैं उनमें कितने पीठ हैं जो बड़े उत्तम हैं। जिस प्रकार ये सिद्ध होते हैं सो भी सुनो। नाभि के तले आधार चक्र में एक कुंडलनी शक्ति है, सर्पिणी की भांति उसमें कुंडल है और वह कुंडल मार बैठी है। वासना ही उसका विष है। जितनी नाड़ी है उन सबकी यह समष्टि है। उस कुंडलनी में जब मनन होता है तब मन प्रकट होता है, यह निश्चय होता है तब बुद्धि प्रकट होती है, जब अहं भाव होता है तब अहंकार प्रकट होता है, जब स्मरण होता है तब चित्त प्रकट होता है, और जब उसमें स्पर्श की इच्छा होती है तब पवन प्रकट होता है। इसी प्रकार पंच तन्मात्राएं और चारों अंतःकरण प्रकट होते हैं। जितनी नाड़ी हैं वे सब कुंडलनी से प्रकट होती हैं और आत्मा का प्रकट होना भी उससे जाना जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, उससे आत्मा का प्रकट होना कैसे जाना जाता है? आत्मा तो देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है और सब देश, सब काल और सब वस्तुओं से पूर्ण है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में और धूप में सब जगह दिखता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता सर्वत्र समान है और प्रकट सात्विक गुण में दिखती है। जो कुछ नाड़ियां और इंद्रियां हैं वे कुंडलनी शक्ति से उदय होती हैं। जब यह जीव कुंडलनी शक्ति में स्थित होकर पवन को स्थिर करता है तब जो कुछ भीतर प्राण वायु हैं वे सब इसके वश होते हैं। जैसे सब सेना राजा के वश होती है उसी प्रकार सब इंद्रियां प्राण के वश होती हैं। जो प्राण वायु वश नहीं होता तो आधि व्याधि रोग उपजते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आधि व्याधि कैसे होती है, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम,
मन की पीड़ा का नाम आधि है और देह के दुख को व्याधि कहते हैं। आधि तब होती है जब संकल्प होता है कि यह सुख मुझे मिले, पर यदि वह वस्तु नहीं प्राप्त होती तब चिंता करके मनुष्य दुख पाता है। और व्याधि तब होती है जब वात पित्त कफ का विकार शरीर में होता है और उससे मनुष्य दुख पाता है। जब मन और शरीर का दुख इकट्ठा होता है तब आधि व्याधि दुख इकट्ठे होते हैं, और जब भिन्न भिन्न होते हैं तब दुख भी भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञानवान को न आधि होती है न व्याधि। यह योग की कला मैंने विस्तार से नहीं कही, क्योंकि पूर्व के ज्ञान क्रम का प्रसंग रह जाएगा। जितनी कला है उन सबको मैं जानता हूँ, परंतु यह कला ज्ञान मार्ग को रोकने वाली है। वासना चार प्रकार की है, सो सुनो। एक वासना सुषुप्ति है, दूसरी स्वप्न, तीसरी जागृत और चौथी क्षीण। स्थावर योनि को सुषुप्ति वासना है, सो आगे चेतेगी। तिर्यक योनि की स्वप्न वासना है, उनको वासना का ज्ञान भी नहीं। जंगम अर्थात मनुष्य, देवता आदि को जागृत वासना है, वे वासना ही में लगे हैं। ये तीन वासना तो अज्ञानी की हैं और क्षीण वासना ज्ञानी की है, अर्थात उसको वासना की सत्यता नष्ट हो जाती है। जब इस प्रकार वासना निवृत्त होती है तब आगे संसार भी नहीं रहता। जब कुंडलिनी शक्ति से वासना उठती है तब पंच तन्मात्राओं के द्वारा संसार का भान होता है। संसार रूपी वृक्ष का बीज वासना ही है। दसों दिशाएं उस वृक्ष के पत्ते हैं, शुभ अशुभ कर्म उसके फूल हैं और स्थावर जंगम फल हैं। जैसी जैसी वासना पुर्यस्तक से मिलकर जीव करता है वैसा ही आगे फल होता है। हे राम, इससे वासना का त्याग करो। वासना ही संसार रूपी वृक्ष का बीज है और निर्वासनिक होना ही पुरुष प्रयत्न है। तब विश्व कदापि न भासित होगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार रूपी रात्रि नहीं रहती, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर संसार रूपी अंधकार निवृत्त हो जाता है। हे राम, आधि व्याधि बड़े रोग हैं, वे मन से होते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आधि रोग तो मन से होता है, पर व्याधि तो शरीर का रोग है, वह मन से कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, व्याधि दो प्रकार की है, एक लघु और दूसरी दीर्घ। जो शरीर को कोई दुख प्राप्त हो उसे लघु कहते हैं, वह स्नान और जप से निवृत्त हो जाती है। दीर्घ व्याधि जन्म मरण के रोग को कहते हैं, वे बड़े रोग हैं और मन के शांत हुए बिना निवृत्त नहीं होते। इसी से आधि व्याधि दोनों मन से होते हैं। फिर राम ने पूछा, हे भगवन, व्याधि मन से कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब चित्त शांत होता है तब कोई रोग नहीं रहता। जब तक चित्त शांत नहीं होता तब तक आधि व्याधि होती है। जो कुछ अन्न बाहर अग्नि से परिपक्व होता है उसको जब मनुष्य भोजन करते हैं तब भीतर जो कुंडलिनी पुर्यष्टिका से मिली हुई है वह उदान पवन को ऊर्ध्वमुख हो उठाती है और अपान पवन उसे नीचे को उठाता है। उदान और अपान का आपस में विरोध है, उसके क्षोभ से अग्नि उठती है और हृदय कमल में स्थित होती है। तब बाहर अग्नि का पका भोजन हृदय की अग्नि से फिर पकता है और सब नाड़ियां अपने अपने भाग रस को ले जाती हैं। वीर्य वाली नाड़ी वीर्य को और रुधिर वाली नाड़ी रुधिर को रखती है। पर जब राग और द्वेष से चित्त कुंडलिनी शक्ति में क्षोभ को प्राप्त होता है तब नाड़ी अपने अपने स्थानों को छोड़ देती है और अन्न भी भीतर पक्व नहीं होता। तब उस कच्चे रस से रोग उठता है। जैसे राजा को क्षोभ होता है तो सेना को भी क्षोभ होता है, और जब राजा को शांति होती है तब सेना को भी शांति होती है। वैसे ही जब मन में क्षोभ होता है तब रोग होता है, और जब मन में शांति होती है तब नाड़ी अपने अपने स्थान में स्थित होती है, कोई रोग नहीं होता। इससे हे राम, आधि व्याधि रोग तब होते हैं जब मनुष्य का चित्त निर्वासनिक नहीं होता, पर जब चित्त शांत होता है तब रोग कोई नहीं रहता। इससे निर्वासनिक पद में स्थित हो। राम जी ने पूछा, हे भगवन,
पीछे आपने कहा है कि मंत्रों से भी रोग निवृत्त होता है, सो कैसे निवृत्त होता है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, प्रथम मनुष्य को श्रद्धा होती है कि इस मंत्र से रोग निवृत्त होगा, तब पुण्य क्रिया, दान, संत जनों की संगति और य, र, ल, व आदिक जो अक्षर हैं, इनका जप करके, क्योंकि जितने कुछ जप और मंत्र हैं सो इन अक्षरों से सिद्ध होते हैं, व्याधि रोग निवृत्त हो जाता है। योगीश्वरों का क्रम अणु और स्थूल से है, सो भी सुनो। जब ये प्राण और अपान कुंडलिनी शक्ति में स्थित होते हैं तो इनको वश करके योगी गंभीर होता है। जैसे मशक में पवन होता है, इसी प्रकार पवन को स्थित करके कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है और ब्रह्मरंध्र में जा स्थित होती है। एक मुहूर्त पर्यंत वहाँ स्थित हो तो मनुष्य आकाश में सिद्धियाँ देखता है। जिस प्रकार इसका क्रम है वह भी तुमसे कहता हूँ। हे राम, सुषुम्ना के भीतर जो ब्रह्मरंध्र है उसमें जब पूरक द्वारा कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है अथवा रेचक प्राण वायु के प्रयोग से द्वादश अंगुल पर्यंत मुख से बाहर अथवा भीतर या ऊपर एक मुहूर्त तक एक ही बार स्थित है, तब आकाश में सिद्धों का दर्शन होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, जब ब्रह्मरंध्र में जीव कला जाकर स्थित होती है तो कैसे दर्शन होता है? दर्शन तो नेत्रों से होता है, सो नेत्र आदि इंद्रियां कोई नहीं होती, नेत्रों के बिना दर्शन कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु राम, पृथ्वी में विचरने वालों को आकाश में विचरने वालों का दर्शन नहीं होता, परंतु दिव्य दृष्टि से होता है, चर्म दृष्टि से वे नहीं देख पड़ते। विज्ञान के निकट जो निर्मल बुद्ध नेत्र होते हैं उनसे दर्शन होता है। जैसे स्वप्न में चर्म नेत्रों के बिना भी सब पदार्थ देख पड़ते हैं, वैसे ही सिद्धों का दर्शन होता है, परंतु इतनी विशेषता है कि स्वप्न के पदार्थ जागृत में नहीं भासित होते और न उनसे कुछ अर्थ सिद्ध होता है, पर सिद्धों के समागम की चेष्टा जागृत में भी स्थित प्रतीत होती है। मुख के बाहर जो द्वादश अंगुल पर्यंत अपान का स्थान है उसमें रेचक प्राणायाम का अभ्यास होता है और जब बहुत देर तक वहाँ प्राण वायु स्थिर होता है तब और पुरियों और दिशाओं के स्थानों में प्राप्त हो सकता है। राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, जो पदार्थ चंचल हैं वे क्यों कर स्थिर होते हैं? वक्ता गुरु कृपा करके उत्तर देते हैं, वे तर्कपूर्ण दुष्ट प्रश्नों से भी नहीं उबते, न खेद को प्राप्त होते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसी जो वस्तु है वैसी उसकी शक्ति स्वाभाविक होती है। आदि जगत के प्रकट होने से जैसी नीति हुई है वैसा ही अब तक आत्मा में स्वभाव शक्ति का स्फुरण होता है। यह जो अविद्या है सो अवस्तु रूप है और जो कहीं वस्तु रूप होकर भी भासित होता है तो ऐसे हैं जैसे वसंत ऋतु में शरत काल के फूल देख पड़ते हैं और वसंत ऋतु के शरत काल में भी। यह भी एक नीति है कि इससे द्रव्य की शक्ति ऐसी हो जाए, परंतु स्वरूप से सब ब्रह्म रूप है, द्वैत या नानात्व कुछ नहीं, केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में स्थित है। व्यवहार के निमित्त नानात्व की कल्पना हुई है, वास्तव में द्वैत कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवन, सूक्ष्म रंध्र से स्थूल रूप वायु कैसे निकल जाती है और अणु सूक्ष्म रूप होकर फिर स्थूल भाव को कैसे प्राप्त होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे आरे से कटे काष्ठ के दो टुकड़ों को जोर से घिसिए तो उनसे स्वाभाविक अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही मांस में जो कमल उदर में है उसके मध्य हृदय कमल है और उसमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। उस कमल के भीतर दो कमल हैं, एक अधः और दूसरा ऊर्ध्व। अधः में चंद्रमा की स्थिति है और ऊर्ध्व में सूर्य की स्थिति है। उनके मध्य में कुंडलिनी लक्ष्मी स्थित है, जैसे पद्मराग मणि का संपुट हो या मोतियों का भंडार हो, वैसे ही उसका महा उज्ज्वल रूप है। जैसे आवर्त में फेन के मिलने से शलशल शब्द प्रकट होता है, वैसे ही उससे शब्द निकलता है, और जैसे डंडे के साथ हिलाने से सर्पिणी शब्द करती है, वैसे ही उस कुंडलिनी से प्रणव शब्द का उदय होता है। हे राम,
आकाश और पृथ्वी जो ऊर्ध्व और अधः रूप दो कमल हैं, उनके मध्य में स्पंदन रूपिणी कुंडलिनी शक्ति स्थित है। वह जीव कला पुर्यस्त का अनुभव रूप अति प्रकाशमान सूर्य की तरह हृदय रूप कमल की भ्रमरी है। वह सबका अधिष्ठान आदि शक्ति हृदय कमल में विराजमान है। उस हृदयाकाश में कुंडलिनी शक्ति है, उसमें से कोमल मृद रूप स्वाभाविक वायु निकलती है। वही पवन निकलकर दो होता है, एक प्राण और दूसरा अपान। वही परस्पर मिलकर स्फुरण रूप होता है, जैसे वृक्ष के पत्तों के हिलने से उससे शीघ्र ही अग्नि प्रकट होती है या बांसों की रगड़ से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही प्राण अपान से अग्नि प्रकट होती है। जब आकाश में उदय होती है तब सब ओर से भीतर प्रकाश होता है, जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर से भुवन प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सब ओर से हृदय प्रकाशित होता है। सूर्य रूप तारा अग्नि सदृश तेज के आकार हैं। हृदय कमल का भ्रमर स्वर्ण रूप है और उसके चिंतन से योगी तद्वत होते हैं। वह प्रकाश ज्ञान रूप है और उस तेज से योगी की वृत्ति तद्वत होती है, अर्थात एकत्व भाव को प्राप्त होती है। तब लक्ष्य योजन पर्यंत जो पदार्थ हों उनका उसे ज्ञान हो जाता है और सब प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। हृदय रूपी सरोवर उस अग्नि का स्थान है, जैसे बड़वाग्नि समुद्र में रहती है और उसका जल ही ईंधन है, अर्थात वह जल को दग्ध करती है, वैसे ही हृदय रूप सरोवर में उसका निवास है और वह रस शीतलता रूप जल को पचाती है। उस हृदय कमल से जो अपान रूप शीतल वायु प्रकट होती है उसका नाम चंद्रमा है, और प्राण रूप उष्ण पवन जो प्रकट होता है वह सूर्य रूप है। वही उष्ण और शीतल पवन सूर्य और चंद्रमा के नाम से देह में स्थित हैं। आदि प्राण वायु रूप सूर्य और अपान रूप चंद्रमा से सूर्य रूप होकर स्थित होता है। सूर्य उष्ण और चंद्रमा शीतल है, इन दोनों से जगत हुआ है। विद्या अविद्या सत्य असत्य रूप जगत इन दोनों से युक्त है। सत चित प्रकाश विद्या उत्तरायण सूर्य अग्नि आदिक नाम बुद्धिमान निर्मल भाव को कहते हैं, और असत जड़ अविद्या तम दक्षिणायन आदिक नाम चंद्रमा से मलिन भाव को कहते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवन, अग्नि सूर्य रूप जो प्राण वायु है उससे शीतल जल में अपान रूप चंद्रमा कैसे उत्पन्न होता है, और अपान जल चंद्रमा रूप से सूर्य कैसे उत्पन्न होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सूर्य चंद्रमा जो अग्निशोम कहलाते हैं वे परस्पर कार्य कारण रूप हैं। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज होता है, जैसे दिन से रात्रि और रात्रि से दिन होता है, और जैसे छाया से धूप और धूप से छाया होती है, वैसे ही सूर्य चंद्रमा परस्पर कार्य कारण होते हैं। कभी कभी इनकी एकत्र उपलब्धि भी होती है, जैसे सूर्य के उदय होने पर धूप और छाया दोनों एकत्र हो जाते हैं। कार्य कारण भी दो प्रकार का है, एक कार्य सत्य रूप परिणाम से होता है, दूसरा विनाश रूप परिणाम से होता है। एक से जो दूसरा होता है वैसे ही है, जैसे बीज नष्ट हो गया हो तो उससे अंकुर होता है, यह विनाश रूप परिणाम हुआ, और जैसे मृतिका से घट उपजता है वह सत्य रूप परिणाम कहता है। जो कारण कार्य के भाव में भी इंद्रियों से देख प्रत्यक्ष पाइए उसका नाम सत्य रूप परिणाम है, और जो कार्य में इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं पाया जाता, जैसे दिन में रात्रि और रात्रि में दिन, वह विनाश रूप परिणाम कहता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है वैसे ही अभाव प्रमाण भी है, इससे विनाश भाव भी एक कारण रूप है। युक्तिवादी कहते हैं कि अपने संवित में कर्तव्य नहीं बनता इत्यादि, सो वे इस अर्थ की अवज्ञा करते हैं और अपने अनुभव को नहीं जानते। अनुभव की युक्ति उनको नहीं आती, यह अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। शीतलता का परिणाम यह है कि जैसे अग्नि के भाव से शीतलता के अभाव में उष्णता होती है, दिन के अभाव में रात्रि और छाया के अभाव में धूप इत्यादि का नाम अभाव परिणाम है। अग्नि से धूम्र भाग निकलता है, वह मेघ बनता है, इस कारण सत्व रूप परिणाम से चंद्रमा का कारण अग्नि होता है, और अग्नि नष्ट होकर शीतल भाव को प्राप्त होता है, तब उसका नाम विनाश परिणाम है, जिससे अग्नि चंद्रमा का कारण होता है। सात समुद्रों का जलपान करके बड़वाग्नि धूम्र को उगलता है, सो
धूम्र मेघ को प्राप्त होकर अत्यर्थ जल का कारण होता है। सूर्य जो विनाश के अर्थ चंद्रमा का पान करता है, सो अमावस्या पर्यंत बारंबार भक्षण करता है और फिर शुक्ल पक्ष में उसे उगलता है, जैसे सारस पक्षी भीट की जड़ को भक्षण करके उगल डालता है। हे राम, अमृत के समान शीतल जो चंद्रमा रूप अपान वायु है, वह मुख के अग्रभाग में रहता है। वह कणिका रूप जल जब शरीर में जाता है, तब वह जल का अणु अपान और सूर्य रूपी प्राण स्फुरण को प्राप्त होता है। इस प्रकार सत्य रूप परिणाम से जल अग्नि का कण होता है। जब जल का नाश हो जाता है, तब वह उष्ण भाव अग्नि को प्राप्त होता है। इसका नाम विनाश परिणाम है। इस प्रकार जल अग्नि का कारण कहता है। अग्नि का नाश होने पर चंद्रमा उत्पन्न होता है, इसका नाम विनाश परिणाम है। और चंद्रमा का अभाव होने पर अग्नि उत्पन्न होती है, इसका नाम भी विनाश परिणाम है। जैसे तम के अभाव से प्रकाश का उदय होता है और प्रकाश के अभाव से तम होता है, दिन के अभाव से रात्रि और रात्रि के अभाव से दिन होता है। इसके मध्य में जो विलक्षण रूप है, उसे बुद्धिमान भी नहीं जान पाते। वह तम और प्रकाश दोनों रूपों से युक्त है। इनके मध्य में जो संधि है, सो आत्म रूप है। उसमें स्थित होकर चेतन और जड़ दोनों रूपों से भूत स्फुरित होते हैं। जैसे दिन और रात्रि तम और प्रकाश से पृथ्वी में चेष्टा करते हैं, सो चेतन और जड़ रूप सूर्य और चंद्रमा दोनों रूपों से युक्त है। निर्मल रूप प्रकाश जो चिद्रूप है, उसका नाम सूर्य है और जड़ात्मक तम रूप चंद्रमा का शरीर है। जब निर्मल चैतन्य रूप सूर्य आत्मा का दर्शन होता है, तब संसार के दुख रूप जो तम हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश में सूर्य के उदय से शाम रात्रि का तम नष्ट हो जाता है। जड़ चंद्रमा रूप देह को जब देखता है, तब चैतन्य रूप सूर्य नहीं भासित होता, असत्य की भांति हो जाता है। और जब चैतन्य की ओर देखता है, तब देह नहीं भासित होता, केवल लक्ष्य में दूसरे की उपलब्धि नहीं होती। केवल चैतन्य पद को प्राप्त होने पर द्वैत से रहित निर्वाण भाव होता है और जड़ भाव को प्राप्त होने पर चैतन्य नहीं भासित होता। इससे संसार के दर्शन का कारण दोनों हैं। चेतन सूर्य से जड़ चंद्रमा की उपलब्धि होती है और जड़ चंद्रमा से चेतन सूर्य की उपलब्धि होती है। जैसे अग्नि रूप प्रकाश अंधकार के बिना सिद्ध नहीं होता, वैसे ही इन दोनों की संधि बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। प्रकाश बिना केवल जड़ की उपलब्धि भी नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जिस दीवार पर पड़ता है, वह दीवार प्रकाश से चमकती है और प्रकाश दीवार से चमकता है, वैसे ही चित्त जब फुरता है, तब जीव को जगत भासित होता है और फुरना जगत से होता है। फुरने से रहित अचैत्य चिन्मात्र निर्वाण है। इससे हे राम, जगत को अग्नि और सोम जानो। चेतन का देह से संबंध है, परंतु जिसका आधिक्य होता है, उसकी जय होती है। प्राण अग्नि उष्ण रूप है और अपान शीतल चंद्रमा रूप है। ये दोनों प्रकाश और छाया रूप हैं। इनको जानना सुख का मार्ग है। हे राम, जब बाहर से शीतल रूप अपान भीतर को आता है, तब उष्ण रूप प्राण में जाकर स्थित होता है और जब हृदय स्थान से निकलकर उष्ण रूप प्राण बाहर को द्वादश अंगुल पर्यंत जाता है, तब अपान जो चंद्रमा का मंडल है, उसको प्राप्त होता है। अपान प्राण रूप होकर और प्राण अपान रूप होकर उदय होता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही इनका परस्पर आपस में प्रतिबिंब पड़ता है। जहाँ षोडश कला चंद्रमा को सूर्य ग्रस लेता है, उस मध्य भाव में तुम स्थित हो। जब अपान प्राणों के स्थान में आकर स्थित होता है और प्राण रूप होकर उदय नहीं होता, सो यह शांति रूप भाव है, उसमें स्थित हो। प्राण निकलकर जब मुख से द्वादश अंगुल पर्यंत बाहर स्थित होता है और जब तक अपान भाव को प्राप्त होकर उदय नहीं होता, वह जो मध्य भाव है, उसी में तुम स्थित हो। मेष आदिक जो द्वादश राशियां हैं, उनमें एक को त्याग कर दूसरी राशि को जब तक संक्रांति नहीं प्राप्त होती, उसका नाम संक्रांति है। और उसके मध्य में जो संधि है, उसका नाम पुण्यकाल है। वह पुण्यकाल भीतर और बाहर प्राण अपान की संधि के समय में तृणवत है। उन
संक्रांतियों में जो वैशाख की विश्वत संक्रांति है सो शिवरात्रि है। चैत्र की संक्रांति में त्रयोदश दिन होते हैं और अस्त की संक्रांति में त्रयोदश दिन हैं। इनका नाम विश्वत है, जहाँ दिन और रात्रि सम होते हैं और दक्षिणायन और उत्तरायण की जो संधि होती है इनके भीतर और बाहर भेद को जाने तब जन्म से रहित होकर परम बोध को प्राप्त हो। हे राम, उत्तरायण मार्ग योगीश्वरों का है, उससे वे क्रम से मुक्त होते हैं। दक्षिणायन मार्ग कर्म करने वालों का है, इससे वे फिर संसार भोगी होते हैं। उनके मध्य में जो संधि है उसमें स्थित होने से परम पद प्राप्त होता है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अग्नि सोम विचार योगो नामास्त षष्टितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह योग की सब कला मैंने विस्तार से कही, इसमें उत्तम प्रभाव वर्णन हुआ है। प्रयोजन यही है कि तुम निर्वाण पद में स्थित हो और आत्म ब्रह्म की एकता करो, जिससे फिर जन्म मरण आदि का दुख न हो। ब्रह्म सत चित आनंद स्वभाव मात्र है, एक आत्मा में एकत्व भाव होते हैं, वही भाव रहते हैं। धनी शक्ति का धनी होता है और अविद्या नष्ट हो जाती है। इस प्रकार जब वह चुड़ाला रानी योग और ज्ञान के अभ्यास से पूर्ण हुई तब सब शक्तियों से संयुक्त होकर धनी बनी और अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त हुई। एक रात्रि में राजा सोया था, तब वह अवकाश पाकर आकाश के बहुत स्थानों में विचरी, फिर देवलोक में अति चंचल काली का रूप रखकर फिरी, फिर मध्य दिशा देवलोक दैत्यों राक्षसों विद्याधरों और सिद्धों के लोकों को होकर सूर्यलोक चंद्रलोक मेघमंडल और इंद्रलोक में गई और वहाँ का कौतुक देखकर फिर नीचे के लोकों में आई। समुद्र में प्रवेश करके फिर अग्नि में प्रवेश कर गई, पवन में पवन रूप हुई और नागलोक की कन्याओं में क्रीड़ा की, फिर वनों पर्वतों भूतों अप्सराओं और त्रिलोकी के मध्य विचरी। इसी प्रकार लीला करके फिर एक क्षण में उसी स्थान में जहाँ राजा सोया था आई और राजा के समीप सो रही, जैसे भंवरी भंवरा कमलनी के मध्य में शयन करते हैं। पर राजा ने न जाना कि रानी कहाँ गई थी या नहीं गई थी। जब रात्र बीती और प्रातः काल हुआ तब राजा ने स्नान शाला में जाकर स्नान कर वेदोक्त कर्म किए और रानी ने भी अपने स्वाभाविक कार्य किए। जैसे पिता पुत्र को मीठे वचनों से उपदेश करता है वैसे ही रानी ने राजा को धीरे धीरे तत्व का उपदेश किया और पंडितों से भी कहा कि तुम भी राजा को उपदेश करो, बताओ कि यह जगत स्वप्नवत भ्रम है, दीर्घ रोग और दुखों का कारण है, आत्मज्ञान की औषधि से इसका नाश होता है और कोई इसकी औषधि नहीं। इसी प्रकार आप भी राजा को उपदेश करती और पंडित लोग भी उपदेश करते थे, परंतु राजा ने वह ज्ञान न पाया और चित्त विक्षेप में पड़ा रहा। राजा ने उस उत्तम पद में विश्राम न पाया जो अपना आप केवल चिद्रूप प्रत्यक आत्मा है। राम जी ने पूछा, हे महामुनि, रानी तो सर्वशक्ति संपन्न थी, योग कला में भी अति चतुर और ज्ञान कला में तद्रूप थी और राजा भी अति मूढ़ न था, फिर उसकी समझ में रानी का उपदेश क्यों न दृढ़ हुआ? रानी भी उसको प्रीति से उपदेश करती थी, तब क्या कारण था जो वह अपने पद में स्थित न हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे बिना छिदे मोती में तागा प्रवेश नहीं करता वैसे ही चुड़ाला के उपदेश ने राजा को न बेधा। जब तक आप विचार न करें और उसमें दृढ़ अभ्यास न हो तब तक यदि ब्रह्मा भी उपदेश करें तो उसको वह न बेधेगा, क्योंकि आत्मा आप ही से जाना जाता है और इंद्रियों का विषय नहीं है। अधिष्ठान रूप और स्वभाव मात्र आत्मा आप ही अपने को देखता है, वह किसी मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, यदि आत्मा अपने को आप ही से देखता है तो गुरु और शास्त्र किस निमित्त उपदेश करते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, गुरु और शास्त्र जता देते हैं कि तेरा स्वरूप आत्मा है, परंतु वे इदम यह है करके नहीं दिखाते। विचार नेत्र से आत्मा अपने को आप ही देखता है, विचार से रहित होकर उसको नहीं देख सकता। जैसे किसी पुरुष को कोई आँखों वाला आदमी चंद्रमा दिखाता है
पर जो वह देखने वाला आँखों वाला होता है तो देख पाता है और मंद दृष्टि होता है तो नहीं देख पाता। वैसे ही गुरु और शास्त्र आत्मा का रूप वर्णन करते हैं और दिखाते हैं, पर जब शिष्य विचार नेत्र से देखता है तभी कहता है कि मैंने देखा, और फिर अन्यों को दिखाने के योग्य होता है। हे राम, आत्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं, वह अपना आप मूल रूप है और इंद्रियां कल्पित हैं। जो तुम कहो कि तुम भी तो इंद्रिय से ही उपदेश करते हो, तो सब इंद्रियों का विस्मरण करो तो अपना मूल तुम्हें भासित होगा। हे राम, इस पर एक क्रांत इतिहास है, उसे सुनो। एक क्रांत था जिसके पास बहुत धन और अनाज था, परंतु वह ऐसा कृपण था कि किसी को कुछ न देता था। धन की उसे ऐसी तृष्णा थी कि चाहता था कि किसी प्रकार मुझे चिंतामणि मिले। इसी इच्छा से एक समय घर से बाहर निकल पृथ्वी की ओर देखता जाता था कि एक स्थान में पहुंचा जहां घास और भूस पड़ा था। उसे उसमें एक कौड़ी देख पड़ी। वह उस कौड़ी को उठाकर देखने लगा कि कुछ और भी निकले, तो फिर दूसरी कौड़ी निकली। इसी प्रकार ढूंढते ढूंढते उसे 3 दिन व्यतीत हुए, तब 4 कौड़ी निकली और फिर 8 निकली। तब 3 दिन और ढूंढते बीते, तब चंद्रमा की भांति चिंतामणि प्रकट देखी और उसे लेकर अपने घर आया और अति हर्षित हुआ। हे राम, वैसे ही गुरु और शास्त्रों से तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि का पाना कौड़ियों का खोजना है, और आत्मा चिंतामणि रूप है, परंतु जैसे कौड़ियों की खोज में उसने चिंतामणि बिना खोजे नहीं पाई, वैसे ही गुरु और शास्त्रों से आत्मपद मिलता है, गुरु और शास्त्रों के बिना नहीं मिलता। धन तप और कर्म से आत्मा नहीं मिलता, केवल अपने आप खोजने से पाया जाता है। हे राम, जब शिखरध्वज चुड़ाला के पास से उठकर स्नान को गया, तब राजा के मन में वैराग्य उपजा कि यह संसार मिथ्या है। हमने बहुत भोग भोगे तो भी हृदय को शांति न हुई, और इन भोगों का परिणाम दुखदायक है। जब मन में ऐसा विचार उपजा, तब राजा ने गऊ, पृथ्वी, सुवर्ण, मंदिर और दूसरी सामग्री बहुत दान की, और सब ऐश्वर्य के पदार्थ ब्राह्मणों, गरीबों और अतिथियों को अधिकार के अनुसार बांट दिए। रानी ने भी ब्राह्मणों और मंत्रियों से कहा कि राजा को तुम यही उपदेश दिया करो कि ये भोग मिथ्या हैं, इनमें कुछ सुख नहीं, आत्मसुख बड़ा सुख है, जिनके पाने से जन्म मरण से मुक्ति होती है। इसी प्रकार राजा ब्राह्मणों से सुने और अपने मन में भी वैराग्य उपजाता था, इस कारण विचारे कि मैं इस संसार से दुख रहित हो जाऊं। यह संसार बड़ा दुख रूप है और इसमें सदा जन्म मरण है। निदान राजा के मन में आया कि मैं तीर्थों को जाऊं और स्नान करूं, इसलिए तीर्थों को चला और स्नान दान करता हुआ देवता, तीर्थों और सिद्धों के दर्शन करके गृह को आया। रात्रि के समय रानी के साथ शयन किया तो रानी से कहा कि हे अंगने, अब मैं वन को तप करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि ये भोग मुझको दुखदायक जान पड़ते हैं और राज्य भी वन की भांति उजाड़ प्रतीत होता है। ये भोग हम बहुत काल पर्यंत भोगते रहे तो भी इनमें सुख नजर न आया, इसलिए मैं वन को जाता हूँ, मुझे न अटकाना। तब रानी ने कहा, हे राजन, अभी तेरी कितनी अवस्था है जो तू वन को जाते हो? अब तो हमारे राज्य भोगने का समय है। जैसे वसंत में फल शोभा पाते हैं और शरत काल में नहीं सोहते, वैसे ही हम भी जब वृद्ध होंगे तब वन को जाएंगे और वन ही में शोभा पावेंगे। जैसे वन के फूल श्वेत होते हैं, वैसे ही जब हमारे केश श्वेत होंगे तब शोभा पावेंगे। अभी तो राज्य करो, हे राम। इस प्रकार रानी ने कहा, पर राजा का चित्त वैराग्य ही में रहा और वह रानी का कहना चित्त में न लाया। जैसे चंद्रमा बिना कमलनी शांत नहीं पाता, वैसे ही ज्ञान बिना राजा को शांत न हुई, परंतु वैराग्य करके फिर कहने लगा, हे रानी, अब मुझे न रोक, अब राज्य मुझको फीका लगता है, इसलिए मैं वन को जाता हूँ, यहाँ नहीं ठहर सकता। जो तुम कहो कि मैं यहाँ तेरी सेवा टहल करती थी, वन में कौन करेगा?
तो पृथ्वी ही मेरी सेवा टहल करेगी। वन की विधियां स्त्रियां होंगी, मृगों के बालक पुत्र होंगे, आकाश हमारे वस्त्र और फूल के गुच्छे भूषण होंगे। जब दूसरी रात्रि हुई और राजा वहां से चला तो रानी और सेना भी पीछे चली और कोट के बीच सब स्थित हुए। राजा और रानी ने विश्राम किया जैसे भौंरा भौंरी सोते हैं और सेना और सहेलियां भी सब सो गईं। सब पत्थर की शिला सदृश निद्रा से जड़ हो गए। जब आधी रात्रि व्यतीत हुई तो राजा जगा और देखा कि सब सो गए हैं। निदान शैया से उठ रानी के वस्त्र एक ओर करके और हाथ में खंग लेकर निकला। जैसे क्षीर समुद्र से विष्णु भगवान लक्ष्मी के पास से उठते हैं वैसे ही उठ सब लोगों को लांघता कोट के दरवाजे पर आया तो देखा आधे मनुष्य जागते थे और आधे सो गए थे। उन्होंने जब राजा को देखा तब राजा ने कहा, द्वारपालों तुम यहीं बैठे रहो, मैं अकेला ही वीर यात्रा को जाता हूँ। इतना कह राजा बड़े वेग से चला गया और बाहर निकलकर कहा, हे राजलक्ष्मी तुमको प्रणाम है, अब मैं वन को चला। फिर राजा शिखरध्वज वन में पहुंचा जहां सिंह सर्प तथा और भयानक जीव थे। उनके शब्द सुनता आगे चला तो उसके आगे और वन मिला, उसको भी लांग गया। 8 पहर चलकर राजा एक जगह जा पहुंचा। जब सूर्य उदय हुआ तब स्नान करके संध्यादिक कर्म किए और वृक्षों के फल भोजन कर फिर वहां से आगे चला, इस डर से कि कहीं कोई पीछे से आकर मुझे न रोके। बड़े वेग से चला, बड़े बड़े पहाड़ नदियां और वन लांघ कर 12 दिन पश्चात मंदराचल पर्वत के निकट जा पहुंचा। एक वन में जाकर ठहरा और स्नान करके कुछ भोजन किया। मेघ और छाया से रक्षा के निमित्त उसने वहां एक झोपड़ी बनाई और पात्र बनाकर उसमें फूल और फल रखे। जब प्रातः काल होता तब स्नान करके पहर भर जप करता था और फिर देवताओं की पूजा के निमित्त फूल चुनता था। 2 पहर स्नान करके ऐसे व्यतीत करता था। जब 3रा पहर होता तब फल भोजन करता था। 4थे पहर फिर संध्या और जप करता था। कुछ काल रात्रि को शयन करता और बाकी जप में बिताता था। इसी प्रकार काल को व्यतीत करता था। हे राम, राजा की तो यह अवस्था हुई, अब रानी की अवस्था सुनो। जब अर्धरात्र के पीछे रानी जगी तो क्या देखा कि राजा वहाँ नहीं है और शैया खाली पड़ी है। रानी ने सहेलियों को जगाकर कहा, बड़े कष्ट की बात है कि राजा वन को निकल गए, वह बड़े भयानक वन में जाएंगे। ऐसे कहकर मन में विचार किया कि राजा को देखना चाहिए, इसलिए योग में स्थित होकर आकाश को उड़ी और आकाश की तरह देह को अंतर्ध्यान किया। जैसे योगेश्वरी भवानी उड़ती हैं वैसे ही उड़ी और आकाश में स्थित होकर देखा कि राजा चला जा रहा है। रानी के मन में आया कि इसका मार्ग रोकूं, पर एक क्षण मात्र स्थित होकर भविष्यत को विचारने लगी कि राजा का और मेरा संयोग नीति में कैसे रचा है। विचार करके देखा कि राजा का और मेरा मिलाप होने में अभी बहुत काल बाकी है, अवश्य मिलाप होगा, पर मेरे उपदेश से राजा जागेगा, परंतु यह सब बहुत काल उपरांत होगा। अभी इसके कषाय मन के दोष परिपक्व नहीं हुए, इससे इसका मार्ग न रोकना चाहिए। निदान फिर रानी अपने घर आई और शैया पर शयन कर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुई। जब रात्रि व्यतीत हुई तब मंत्रियों से कहने लगी कि राजा एक तीर्थ करने गए हैं और दर्शन करके फिर आवेंगे, तुम अपने कार्य करते रहो। यह सुन मंत्री अपने काम करने लगे। इसी प्रकार रानी ने 8 वर्ष तक राज्य किया और प्रजा को सुख दिया। जैसे माली कमलों और क्यारियों को पालता है वैसे ही रानी ने प्रजा को पालकर सुख दिया। उधर राजा को 8 वर्ष तप करते बीते और उसके अंग दुर्बल हो गए। इधर रानी ने राज्य किया, पर जैसे भौंरा और ठौर हो और भौंरी और ठौर हो वैसे ही समय व्यतीत हुआ। तब रानी ने विचार किया कि राजा अब मेरे वचनों का अधिकारी हुआ होगा, क्योंकि अब उसका अंतःकरण
तप करके शुद्ध हो गया है। इससे अब राजा को देखिए, निदान रानी वहां से उड़कर आकाश को गई और इंद्र के नंदन वन को देख वहां के दिव्य पवन का स्पर्श हुआ तो उसके चित्त में आया कि मुझे भर्ता कब मिलेगा। फिर कहने लगी कि बड़ा आश्चर्य है, मैं तो सत्पद को प्राप्त हुई थी तो भी मेरा मन चलायमान हुआ है, तो और जीवों की क्या बात है। वहां से भी चली तो आगे कमल फूल देखकर कहने लगी कि मुझे भर्ता कब मिलेगा, मैं तो कामातुर हुई हूँ। फिर मन में कहने लगी कि हे दुष्ट मन, तू तो सत्पद को प्राप्त हुआ था, तेरा भर्ता आत्मा है, अब तू मिथ्या पदार्थों की अभिलाषा क्यों करता है। मालूम होता है कि जब तक देह है तब तक देह के स्वभाव भी साथ रहते हैं, इससे यह अवस्था प्राप्त हुई है, तभी मन चलायमान हुआ है। जब मेरा यह हाल है तब इतर जीवों की क्या बात है। तब रानी मेघ, बिजली, पर्वतों, नदियों, समुद्र और भयानक स्थानों को लांघकर मंदराचल पर्वत के पास वन में पहुंची और देखने लगी कि मेरा भर्ता कहाँ है। समाधि में स्थित होकर उसने देखा कि अमुक स्थान में राजा बैठा है, तब से महादुर्बल शरीर हो गया है, वह ऐसे स्थान में है जहाँ और जीवों की गति नहीं। बड़ा आश्चर्य है कि महावैताल की तरह यह रात्रि को चला आया है। अज्ञान महादुष्ट है कि ऐसा राजा तप में लगा है और स्वरूप के प्रमाद से जड़ है। अब ऐसा हो कि किसी प्रकार यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो, परंतु मेरे इस शरीर से इसको ज्ञान न उपजेगा, क्योंकि प्रथम तो उसको यह अभिमान होगा कि यह मेरी स्त्री है, और फिर कहेगा कि मैंने इसी के निमित्त राज्य छोड़ा है और यह फिर मुझे दुख देने आई है, इससे मैं ब्रह्मचारी का शरीर धारण करूं। ऐसा विचार करके उसने शीघ्र ही ब्रह्मचारी का शरीर धारण किया, हाथ में रुद्राक्ष की माला, कमंडलू और गले में मृगछाला धारण किया। जैसे सदाशिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजता है वैसी ही सुंदर विभूति लगा और श्वेत यज्ञोपवीत धारण कर पृथ्वी के मार्ग से राजा के निकट जा पहुंची। राजा उसे देखकर आगे से उठ खड़ा हुआ और नमस्कार कर चरणों पर फूल चढ़ाए, फिर अपने स्थान पर बैठाकर कहने लगा, हे देवपुत्र, आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ, कृपा करके कहिए कि आप किस लिए आए हैं। देवपुत्र बोले, हे राजन, हम बड़े बड़े पर्वत देखते और तीर्थ करते आए हैं, परंतु जैसी भावना तुम में देखी है वैसी किसी में नहीं देखी। तुमने बड़ा तप किया है और तुम इंद्रिय जित दिख पड़ते हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा तप खंग की धार सा तीक्ष्ण है, इससे तुम धन्य हो, तुम्हें नमस्कार है। परंतु हे राजन, आत्मयोग के निमित्त भी कुछ तप किया है अथवा नहीं। तब राजा ने जो फूलों की माला देव पूजन के निमित्त रखी थी वह देवपुत्र के गले में डाली और पूजा करके कहा, हे देवपुत्र, तुम ऐसों का दर्शन दुर्लभ है और अतिथि का पूजन देवता से भी अधिक है। हे देवपुत्र, आपके अंग बहुत सुंदर देख पड़ते हैं, ऐसे ही मेरी स्त्री के अंग थे, नख से शिखा पर्यंत तुम्हारे वही अंग देख पड़ते हैं, परंतु आप तो तपस्वी हैं और आपकी मूर्ति शांति के लिए हुई है, मैं कैसे कहूँ कि तुम वही हो। इससे हे देवपुत्र, आप किसके पुत्र हैं, यहाँ किस निमित्त आए हैं और आगे कहाँ जाएंगे, यह कहकर मेरा संशय निवृत्त कीजिए। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, एक समय नारद मुनि सुमेरु पर्वत की कंदरा में जहाँ आश्चर्य के देने वाले वृक्ष मंजरियों, फूलों और फलों से पूर्ण थे और ब्राह्मणों की कुटी बनी हुई थी, समाधि लगाकर बैठे थे। वहाँ गंगा का प्रवाह बहता था और सिद्धों के सिवा और जीवों की गति न थी। इससे नारद मुनि वहाँ कुछ काल समाधि में स्थित रहे। जब समाधि खोली तब उन्होंने आभूषणों का शब्द सुना और मन में महा आश्चर्य माना कि यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, यह भूषणों का शब्द कहाँ से आया। तब उठकर देखने लगे कि गंगा के प्रवाह में उर्वशी आदि महासुंदरी अप्सराएं वस्त्रों को उतारे हुए स्नान कर रही हैं। जब उनको नारद जी ने देखा तो उनका विवेक जाता रहा और वीर निकलकर उनके पास जो एक सुंदर बेल थी उसके पत्ते पर स्थित हुआ। इतना सुनकर शिखरध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, ऐसे ब्रह्मवेत्ता और सर्वज्ञ मननशील योगी नारद मुनि का वीर किस निमित्त गिरा। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जब तक शरीर है तब तक अज्ञानी और ज्ञानी के शरीरों का स्वभाव निवृत्त नहीं होता,
परंतु एक भेद है, ज्ञानवान को यदि दुख प्राप्त होता है तो वह दुख नहीं मानता, और यदि सुख प्राप्त होता है तो सुख नहीं मानता और उससे हर्षित नहीं होता। और अज्ञानी को यदि सुख दुख प्राप्त होते हैं तो वह हर्ष शोक करता है। जैसे श्वेत वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही अज्ञानी को दुख सुख का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है। और जैसे मोम के वस्त्रों को जल का स्पर्श नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को दुख सुख का स्पर्श नहीं होता। जिसके अंतःकरण रूपी वस्त्र को ज्ञान रूपी मोम नहीं चढ़ा, उसको दुख सुख रूपी जल स्पर्श कर जाता है। दुख की और सुख की नाड़ी भिन्न भिन्न है। जब सुख की नाड़ी में जीव स्थित होता है तब कोई दुख नहीं देखता, और जब दुख की नाड़ी में स्थित होता है तब सुख नहीं देखता। अज्ञानी को कोई दुख का स्थान है और कोई सुख का स्थान है, और ज्ञानी को एक आभास मात्र दिखाई देता है, उसे बंधन नहीं होता। जब तक अज्ञान का संबंध है तब तक दुख नहीं निवृत्त होता। तब राजा ने कहा कि वीर्य जो गिरता है सो कैसे निवृत्त होता है।